अध्याय एक, संसाधन एवं विकास। प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता आया है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता था, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा, उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना। कृषक कारीगर समाज में मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे, एक विस्तृत सूची बनाएं। संसाधन किसका? जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो, इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा और उनके उचित उपयोग के लिए सामुदायिक नियम कानून बने। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही। कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। इनमें कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंध करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ी। विशाल भवन, कलाकृत नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। लेकिन साथ साथ
इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गईं और ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुए। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे, वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। इससे हम नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे और अपनी जमीन व जंगल का गैर औद्योगिक और गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे, कई जगह उसे देवी देवता भी मानते थे। यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था, वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे। लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है।